दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। 14 फरवरी 2015 को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे और इस समय उनकी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। उस समय की अगर हम बात करें तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, यानी कि बहुत बड़ा बहुमत मिला था, प्रचंड बहुमत मिला था केजरीवाल सरकार को। और उस समय पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में से, और बीजेपी पार्टी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तो फिलहाल इन 4 सालों में केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है, क्या उम्मीदें दिल्ली वालों की थी, यही जानने के लिए इस समय हम दिल्ली की सड़कों पर हैं और लोगों से जानेंगे कि केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरा होने पर वो क्या कहना चाहते हैं। आइए हमारे साथ। केजरीवाल सरकार के मैडम 4 साल पूरे हो गए हैं, खुश है उनके काम से अब तक के जो काम है उनके? हमें नहीं पता। हाँ, वैसे काम तो अच्छा कर रहा है। काम ठीक लगा अभी तक का उनका? डेफिनेटली कंपेयर टू अदर्स गवर्नमेंट ही हैज डन वेल ओवर हियर। बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड ऑल। सर, केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, अब तक का काम संतुष्ट है आप उससे? कोई खास नहीं। सर एक लाइन तो बोल दीजिए सर। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर केजरीवाल सरकार को क्या वो दोबारा से चुनना चाहेंगे या फिर नहीं। सर, केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरा हो गए हैं, आप उनके काम से संतुष्ट हैं, उम्मीदें पूरी हुई हैं आपकी? हाँ, वैसे काम तो उन्होंने अच्छा करा है और आई एम वेरी मतलब अपॉइंट मतलब 1 साल बचा है, क्या चाहते हैं, क्या कुछ और होने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 साल तो खत्म हो चुके हैं, 5 साल का बहुमत आपने दिया था। बस जैसे ये काम कर रहे हैं वैसे उसमें और भी काम करने की जरूरत है, जैसे बिजली बिल उन्होंने काफ़ी हद तक माफ़ कर दिया है, तो ये सब काम अच्छे हैं और भी इसमें मतलब आगे काम कर सकते हैं अच्छा। मतलब डेफिनेटली कंपेयर टू अदर्स गवर्नमेंट ही हैज डन वेल ओवर हियर टू द पुअर पीपल। सी बेसिक सपोज पुलिस स्टेशंस, अदर हॉस्पिटल फैसिलिटीज, बेसिकली फॉर द पुअर पीपल। आपको लगता है कि गरीब लोगों के लिए उन्होंने अभी तक बहुत बेहतर काम किया है बाकी सरकारों की? जी। 1 साल बचा है, क्या और चाहते हैं कि कुछ और काम अच्छा करें लोगों की उम्मीदों पर? जो उनके मैनिफेस्टो में था अगर वही पूरा करते तो वही बहुत है। दो बातें, 3 बातें जो आपको लगता है सबसे पहले फोकस करने की है वो बताइए। अभी तो जैसे उन्होंने बोला था कि वाईफाई वाला करेंगे, अभी तक तो वो तो बिल्कुल ही चला गया है, वो तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। और अभी जो मोहल्ला क्लिनिक वाला चल रहा है वो थोड़ा और बेटर होना चाहिए, वो स्कीम अच्छी है लेकिन अगर और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक के काम से कितना आप खुश हैं उनसे, उनके काम से? नहीं नहीं केजरीवाल जी ने तो सही काम किया है, बहुत अच्छे हैं, इनके काम से हम संतुष्ट हैं। ये तो बहुत खुश है, यानी कि आप बहुत खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं, इनको 4 रेटिंग देते हैं। तो नंबर भी इन्होंने दे दिए हैं, बहुत खुश हैं केजरीवाल सरकार के काम से। सर ये बताइए, केजरीवाल सरकार के काम से खुश हैं आप? हाँ जी बिल्कुल खुश हैं। क्या काम आपको बहुत पसंद आया उनका अभी तक का? स्कूलों का काम और ये कि नाम अस्पतालों का काम अच्छा है। बाकी क्या परेशानियां पहले होती थी और अब क्या परेशानियां नहीं होती हैं आपको? अब तो ठीक है जी, पहले तो परेशानी थी ये अस्पतालों में पैसे भी दे के काम करवाते थे, अब तो ठीक है जी, बहुत अच्छा है। केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, दिल्ली के लोगों से राय ले रहे हैं कि उनके काम से कितना खुश हैं 4 सालों के काम से? हम तो बहुत खुश हैं जी उनसे, बहुत अच्छे काम किया है और हम तो कहेंगे आगे भी वही आए। क्या काम से सबसे ज़्यादा खुशी हुई है? बिजली के पानी से, मतलब कोई टेंशन नहीं है किसी बात की, बहुत अच्छे। केजरीवाल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, खुश हैं? एक लाइन ही बोलना है आपको? नहीं खुश नहीं है। आप खुश नहीं है? नहीं। तो नाराज़गी किस वजह से है ये बताइए, थोड़ा सा मुड़ जाइए प्लीज़। किस, अगर आपको खुशी नहीं है केजरीवाल सरकार के कामकाज से, किस बात को लेकर नाराज़गी है ये तो बताइए। नाराज़गी पर्सनली कुछ नहीं है, बट उन्होंने 4 साल में कुछ भी नहीं किया जो दिख भी नहीं रहा है। कुछ तो बताइए कि जो ये वायदे किए थे उनको ये पूरा करना चाहिए। वायदे तो इनके जो प्रिंसिपल थे वही प्रिंसिपल पे ही नहीं है तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? जैसे कि वो कह रहे थे कि हम लाएंगे, वो कौन सा उनका जो धरना जन लोकपाल था, उनका अन्ना जी के साथ जो आंदोलन हुआ जिनके कारण उनको पब्लिक ने वोट दिया, वही नहीं है उनके। बाकी तो बिजली पानी के लिए आप लोगों के लिए किया, पानी का क्या करना है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मैम 4 साल पूरे हो गए हैं, महिलाओं होने के नाते थोड़ा सा नीचे आ जाइए, महिला होने के नाते आप खुश हैं उनके कामकाज से? हाँ मैम, एजुकेशन और हॉस्पिटल में तो उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है,
तो होप सो इट विल अदर सेक्टर्स में भी अच्छा करेंगे। एटलीस्ट उन्होंने स्कूल और हॉस्पिटल्स जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उनके लिए तो सही किया ही है, बाकी का जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं वो खुद ही देखेंगे। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, एक मिनट ही टाइम लूंगी। केजरीवाल सरकार के सर 4 साल पूरे हो गए हैं, काम ठीक लगा अभी तक कि उनकी सरकार का? मैम वैसे तो अपनी तरफ से तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया उन्होंने तो बहुत अच्छा ये तो चीज़ है। उन्होंने हम भी जाते हैं स्कूल में, पीटीएम वगैरह होता है तो अच्छा लगता है कि ये चीज़ भी शुरुआत कर दे ताकि बच्चे के बारे में पता चले कि क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। मैम तो बहुत अच्छा है अभी तो। अभी तक का काम आपको ठीक लगा, एक साल बचा है, सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? मैम उम्मीद तो यही है कि और थोड़ा सा और जोर करेंगे, और थोड़ा सा जो जैसे हमारा गरीब तबके का है तो उसके लिए भी थोड़ा काम करेंगे, जो स्लम विभाग हमारा है और जो गरीब लोग हैं हमारे उनके लिए काम करेंगे। मैम पहले से जो एजुकेशन का माहौल है केजरीवाल ने काफ़ी ठीक किया है, पहले लोगों को पता ही नहीं रहता था कि जनरल का कोटा कितना है और विकलांग बच्चों का भी कोटा होता है और कितनी सीटें रिजर्व होती हैं, वो सारे मैसेज आते हैं FM पे, न्यूज़ आती है, बताते हैं कि अपने स्कूल में कोटा इतना है, EWS के कोटे से आप फार्म भरिए, तो पहले तो स्कूलों में एडमिशन ही नहीं मिलते थे, सीटें रहती थी पर कहते थे कि सीटें फुल हो गई हैं क्योंकि जो जितना ज़्यादा डोनेशन देगा उसकी बच्चे को सीट मिलेगी। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत मिला था 2015 में और हमने शुरुआत में कहा था कि 70 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटों पर जनता ने उनको बहुमत दिया था, उनकी सरकार को जिताया था और लोगों को जिताने की वजह भी ये थी कि लोगों को ढेरों उम्मीदें थी उनकी सरकार से और अभी तक की जो बातचीत हमारी लोगों से हुई है अधिकतर लोग उनके काम करने के तरीके से संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि अभी उस हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया है, कुछ मायूसी उनकी है, नाराज़गी उनकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि बचा हुआ एक साल जो उनकी सरकार के पास बचा हुआ है किस तरह से वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ आरती पांडे, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।